नमस्कार बच्चों, मैं विजय कुमार सेन एक बार आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। और आज फिर हम हाजिर हैं लेकर के 11th क्लास कॉमर्स का चैप्टर फर्स्ट। और चैप्टर फर्स्ट में आज का जो हमारा टॉपिक है वह टॉपिक है हमारा आज का रोजगार। जिसे कहते हैं एम्प्लॉयमेंट। जी हाँ, एम्प्लॉयमेंट रोजगार या इसे कहते हैं नौकरी। या इसे कहते हैं जॉब। देखिए, सो सिंपल, नौकरी क्या है? तो नौकरी क्या है तो देख लो, नौकर प्लस बड़ी की मात्रा, नौकरी। ठीक है, अब नौकर कौन होता है आप समझते हैं। ठीक है, वह व्यक्ति जो किसी दूसरे व्यक्ति के अंडर में काम करता है, किसी दूसरे के अधीन। वह व्यक्ति जो किसी दूसरे व्यक्ति के अधीन या दूसरे के लिए या दूसरे के लिए काम करता है और बदले में क्या लेता है? रेम्यूनरेशन। वह व्यक्ति जो किसी दूसरे के लिए काम करता है, वह व्यक्ति जो किसी दूसरे के अंडर में काम करता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं नौकर। ठीक है, और उसके द्वारा जो क्रिया की जा रही है उस क्रिया को बोलते हैं नौकरी। ठीक है, तो हम आज बात कर रहे हैं रोजगार की, आज हम बात कर रहे हैं नौकरी की, आज हम किसकी बात कर रहे हैं? नौकरी की। देखिए, हमने जाना कि एम्प्लॉयमेंट क्या है। When we work for others, when we work for others and get remunerations, जब हम remunerations अचीव करते हैं, जब हम किसी दूसरे के लिए काम करते हैं, work for others, जब हम दूसरों के लिए काम करते हैं तो उसे क्या कहेंगे? Job या रोजगार। और इसमें हमें क्या मिलता है? तो इसमें मिलते हैं हमें remuneration। या ऐसे कह सकते हो इसको आप कि इसमें हमें क्या मिलती है? तो इसमें मिलती है हमें सैलरी। ठीक है, सैलरी एक निश्चित होती है। ठीक है, वही आपको हर महीने प्राप्त होती है। अगर हम बात करें इसमें रिस्क की, तो इसमें रिस्क नाम की चीज बहुत कम होती है, नहीं होती है। ठीक है, इसमें रिस्क नहीं होती। रिस्क का फैक्टर बिजनेस में सबसे ज्यादा होता है, प्रोफेशन में थोड़ा कम होता है। ठीक है, और रेम्यूनरेशन में रिस्क नाम की चीज है, वो हम डिफरेंसेस पढ़ेंगे, डिफरेंस बिटवीन द बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट में, तब हम इसको जानेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं रोजगार के बारे में, अभी हम बात कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट के बारे में। तो देखिए, ये जो रेम्यूनरेशन, ये जो एम्प्लॉयमेंट है, ये हो सकता है फिक्स, मतलब ये जो रेम्यूनरेशन, ये जो एम्प्लॉयमेंट है, ये फिक्स भी हो सकता है। ठीक है, और ये फिक्स मतलब स्थाई, फिक्स मतलब स्थाई। ठीक है, ये जो एम्प्लॉयमेंट है ये फिक्स भी हो सकता है, और ये जो एम्प्लॉयमेंट है और ये हो सकता है टेम्पररी। ये हो सकता है फिक्स और ये हो सकता है टेम्पररी। ये दोनों प्रकार से हो सकता है, फिक्स भी हो सकता है और ये टेम्पररी भी हो सकता है। तो हमने बात की कि ये जो एम्प्लॉयमेंट फिक्स और टेम्पररी, या इसे कहे अस्थाई। क्या कहें इसे? अस्थाई, निश्चित और अनिश्चित। ठीक है, ये हो सकता है गवर्नमेंट,
मतलब सरकारी भी हो सकता है, ठीक है, और ये हो सकता है प्राइवेट, मतलब निजी, और ये हो सकता है सेमी गवर्नमेंट भी हो सकता है। तो हमने बात की कि ये परमानेंट भी हो सकता है, टेम्परेरी भी हो सकती है, मतलब आप कहीं पर काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, अब वो नौकरी आपकी परमानेंट भी हो सकती है, ठीक है। आपका पहला असाइनमेंट हो चुका, आपका पहला कॉन्ट्रैक्ट बन चुका कि आप परमानेंट नौकरी यहां पे करेंगे, जब तक जिएंगे तब तक यही काम करेंगे, और काम करते करते आप यही मर जाएंगे। टेम्परेरी मतलब परमानेंट, टेम्परेरी एक अनिश्चित, कभी भी आपको हटाया जा सकता है। गवर्नमेंट सरकारी भी हो सकता है और आप निजी भी हो सकते हैं। तो ये हमने बात की रोजगार की, हमने बात की नौकरी की, और इसमें हमें जो चीज मिलती है उसे हम क्या कहते हैं, सैलरी, उसे हम क्या कहते हैं, सैलरी। तो अब चलते हैं इसकी विशेषताओं की ओर, एक बार आप फटाफट इसको छापना चाहे छाप सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम रोजगार की विशेषताओं के बारे में, एम्प्लॉयमेंट की करेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं। तो करेक्टरिस्टिक्स के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले जो करेक्टरिस्टिक्स है वो है सर्विस फॉर अदर्स, सर्विस फॉर अदर्स। जी हाँ, मैंने आपको डेफिनेशन में बताई थी बात, आपको जब इसके मीनिंग्स के बारे में बात कर रहे थे, हम इसके बारे में समझ रहे थे कि रोजगार क्या होता है, तब हमने बात की थी कि सर्विस फॉर अदर्स। एम्प्लॉयमेंट जो है, नौकरी जो है वो दूसरों के लिए ही की जाती है, ठीक है, इसमें खुद का कुछ नहीं होता, हमें सब कुछ दूसरे सामने वाली जो पार्टी है, जो अदर पर्सन है, हमें अपने आप को अदर्स के अकॉर्डिंग बनाना पड़ता है, उनके अनुसार हमें अपने आप को ढालना होता है। तो बात कर रहे हैं कि सर्विस फॉर अदर्स इट्स अ फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। सेकेंड इज पर्सनल सर्विसेज। पर्सनल सर्विस का मतलब है कि एक व्यक्ति जो है, मैं कहीं पर नौकरी करता हूं तो मैं मेरी जगह पर किसी दूसरे को नहीं दे सकता, मुझे खुद को ही वो नौकरी करनी पड़ेगी, व्यक्तिगत सेवा होती है नौकरी, ठीक है, मैं मेरी जगह पर किसी दूसरे व्यक्ति को देना चाहूं दैट्स नॉट पॉसिबल, मेरी सर्विस मुझे ही करनी पड़ेगी। तीसरी बात है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं कि एग्रीमेंट एक समझौता है, और इस एग्रीमेंट में जो ऑनर जो है, ऑनर के बीच में और सर्वेंट के बीच में जो है, वो ऑल ऑफ द टर्म्स एंड जो कंडीशंस जो होती है उनको लिखी जाती है, क्या तो उन किस टाइप का, तो उनका जो एम्प्लॉयमेंट है वो होगा, परमानेंट है या टेम्परेरी है, उनका रेमुनरेशन क्या होगा, उनकी जो सैलरी वगैरह है उसको लिखा जाता है, उनका टाइम पीरियड क्या है, ठीक है, किस टाइप का उनको काम करना है, वो सब बातें एग्रीमेंट में लिखी रहती है। और मैंने अभी बात भी की थी नो रिस्क, यहां पर रिस्क नहीं होती, यहां पर तो आपको सर्विस करनी है, रिस्क नहीं है आपको, यहां पर सीधी सैलरी मिलेगी, अगर आप अपनी ड्यूटी पे जा रहे हैं, ड्यूटी पे काम कर रहे हैं तो आपको रिस्क नहीं है, सैलरी मिलेगी आपको, ठीक है, चाहे आप जहां भी काम कर रहे हैं वो बिजनेस है, लेकिन आप वहां पर नौकरी कर रहे हैं तो बिजनेस को प्रॉफिट हो लॉस, आपको अपनी सैलरी मिलेगी, तो यहां पर रिस्क नहीं है, क्योंकि रिस्क वहां होती जहां पर इन्वेस्टमेंट होता है, यहां पर कोई आपका इन्वेस्टमेंट नहीं है। नो नीड ऑफ कैपिटल, बात की कि कैपिटल मतलब यहां पर किसी भी प्रकार की पूंजी की आवश्यकता नहीं होती, यहां पर आपको कोई पूंजी नहीं लगानी होती, यहां पर आपको सिर्फ आपको अकॉर्डिंग टू वर्क आपको काम करना पड़ता है, जैसे एग्रीमेंट में दिया होता है वैसे आपको काम करना होता है। तो हमने बात की एम्प्लॉयमेंट के बारे में। तो बच्चों, अब तक हम पुराने वीडियोस में और यहां तक हम बात कर चुके हैं बिजनेस के बारे में, प्रोफेशन के बारे में, और इस वीडियो में हमने बात की एम्प्लॉयमेंट के बारे में, रोजगार के बारे में। उम्मीद करता हूं आपको मेरी बातें समझ में आ रही होगी, अगर आपको किसी प्रकार का कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात समझ में नहीं आ रही, तो आप कमेंट्स बॉक्स में आप हमें लिख करके भेज सकते हैं, या और किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है हमारे चैनल से संबंधित या हमारे वीडियो संबंधित, तो बिल्कुल आप नो डाउट हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज सकते हैं, हम प्रयास करेंगे कि उसको दूर किया जा सके, लेकिन आपसे यही उम्मीद करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक एंड शेयर करें, ठीक है बच्चों, जय हिंद जय भारत, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।